नमस्ते व्यूअर्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ कांगड़ा मछली की रेसिपी। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, बनाने में और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो मैं आज के वीडियो में दिखाने वाली हूँ कांगड़ा मछली की रेसिपी, चलिए देखते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ कांगड़ा मछली, जो मैंने पहले से ही कट के रखा है। इसमें नमक हल्दी अच्छे से मैंने मिक्स कर ली है। अब इसे मैं फ्राई करूंगी। पैन ले ली है, ये गरम होने के बाद मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को अच्छे से गरम करना चाहिए, वरना मछली फट जाती है। देखिए, ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। अब मैं इसमें मछली डालूंगी। अब मैं इसे अच्छे से फ्राई होने दूंगी। तो व्यूअर्स, जब तक ये मछली फ्राई हो रहा है, तब तक आप लोग मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब ये मछली फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए, ये देखने में भी बहुत अच्छा है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, अब मैं इसे निकाल लूँगी। मछली फ्राई हो चुका है, अब मैं एक कटोरी ले लेती हूँ। इसमें सरसों पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके रखूँगी। और आप लोग चाहे तो मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। मिर्च पाउडर डालने से कलर बहुत अच्छा आता है। मैंने इसमें मिर्च पाउडर नहीं डाला, क्योंकि मिर्च पाउडर मेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं मिर्च पाउडर नहीं खाती हूँ। मैंने इसमें धनिया पाउडर भी डाला है। अब मैं लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बनाऊंगी। और मैंने एक टमाटर भी कट के रखा है। ये देखिए, मैंने जो पहले मसाले रखे थे उसमें जो कहा है पेस्ट, उसमें डालकर मिक्स करके रखा है। और ये मैंने गरम तेल में काली जीरा, दो तेज़पत्ते और दो हरी मिर्च डालूंगी। अब मैं जो टमाटर कट के रखा था वो भी इसमें डाल लूँगी और थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और मैंने जो मछली फ्राई करके रखी थी वो इसमें डाल दूंगी। उसके बाद थोड़ा सा मछली और टोमेटो को मिलाकर ढक दूंगी। अब जो मैंने मसाले पीस के रखे थे वो इसमें डाल दूंगी। और मैं मछली और मसाले को थोड़ा सा फ्राई करूंगी, लेकिन बहुत धीरे से, क्योंकि मछली फट ना जाए। मैं थोड़ा सा गैस का स्टीम बढ़ा लूँगी और फिर से इसे मैं ढक दूँगी और थोड़ी देर के लिए रख लूँगी। अब मैं इसे और थोड़ा सा पकने दूँगी। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिला लूँगी। ये देखिए, मैंने पानी डाल दिया है इसमें और फिर से इसे मैं ढककर रख दूंगी। इसमें मैं नमक एक चम्मच डाल दूंगी। आप लोग भी अपने ही स्वाद अनुसार आप लोग डाल सकते हो। अब ये बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मैंने ढककर निकाल दिए। मैंने जो धनिया कट के रखा था अब उससे मैं इसमें मिला लूँगी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा रहेगा और देखने में भी बहुत सुंदर हो जाएगा। देखिए, यह बनकर तैयार हो गया है मेरा रेसिपी। तो व्यूअर्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।